हे एवरीवन, तो यार वैसे तो मैंने सोचा था कि अब जब फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर खत्म हो जाएगा तो मैं उस पर एक एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। बट कल सुबह मुझे कुछ ऐसी अपडेट्स मिली जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया वीडियो बनाने के लिए। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे भाई, सॉरी, ये इंट्रो नहीं है ना यार, ये इंट्रो अब पुराना है, इसको एंड कर दिया। जेंटलमैन, आई गिव यू माय न्यू इंट्रो। यस, आपने सही देखा और सुना, अब हमारे चैनल का नाम है हनी स्पीक्स और ये है हमारा नया इंट्रो। कमेंट्स में बताना क्या इंट्रो पसंद आया आप लोगों को। चलो ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधा अपडेट्स पे आते हैं। ओके, तो अभी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर को लेकर अपडेट ये आया है कि एपिसोड 5 में हमें दो कैप्टन अमेरिका शील्ड देखने को मिल सकती हैं, जिनमें एक शील्ड तो यूज करेगा जॉन वॉकर जबकि सेकंड शील्ड को यूज करेगा सैम विल्सन। इस चीज के प्रूफ के लिए मैं आपको फोटोज भी दिखा देता हूं। यहां पर आप पहली फोटो में देख सकते हो कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड के सेंटर में मतलब स्टार के अराउंड एक एक्स का निशान बना हुआ है, जबकि अगर आप इस दूसरी फोटो को ध्यान से देखो तो इस फोटो में शील्ड बिल्कुल नीट है। और एक और इमेज में हम सैम और बकी को एक सूटकेस के पास खड़ा देख सकते हैं, तो मे बी सूटकेस में भी कैप्टन अमेरिका की शील्ड हो जो कि सैम को मिली होगी वकांडा की तरफ से। सो इस बात के चांसेस हैं कि फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अपकमिंग एपिसोड्स में हमें दो कैप्टन अमेरिका की शील्ड देखने को मिल सकती हैं। बट ये थोड़ी सी एडिटिंग ट्रिक्स भी हो सकती हैं, तो हु नोज, मे बी आई एम रॉन्ग। तो ये तो थी कैप्टन की शील्ड की बात, अब हम करते हैं कैप्टन की बात। रिसेंटली एक इंटरव्यू में वाइट रसल जो कि जॉन वॉकर का रोल प्ले करते हैं, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वो कभी क्रिस एवेंस से मिले हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने ये बोला कि उनकी कभी क्रिस एवेंस से एक प्रॉपर मीटिंग तो नहीं हुई, बट एक सर्टन प्लेस पे उन दोनों का आई कॉन्टैक्ट जरूर हुआ था। फर्दर उन्होंने ये कहा कि फैंस फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की एंड देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे। इस इंटरव्यू के बाद लोग गेस कर रहे हैं कि क्रिस एवेंस का स्टीव रॉजर्स हमें एपिसोड 5 में नजर आ सकता है एज द सरप्राइज कैमियो। एंड इवन दो हर फैन क्रिस एवेंस को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड अम्यूज फील करेगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की डायरेक्टर कैरी स्कॉलैंड ने दी थी एपिसोड 5 के सीक्रेट कैमियो से रिलेटेड, क्रिस एवेंस उन डिटेल से मैच नहीं करते। बट हु नोज भाई, मार्वल वाले पहले भी फैंस को मिसगाइड कर चुके हैं, तो हो सकता है इस दफा भी मिसगाइड ही कर रहे हूं। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात कंफर्म करके बता देता हूं कि अगर हमें क्रिस एवेंस दिखते हैं स्टीव रॉजर्स के रोल में, तो वो मोस्ट प्रोबेबली ओल्ड स्टीव रॉजर्स प्ले करेंगे और हमें कोई भी एक्शन सीन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्रिस एवेंस की तरफ से। बट अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं कि मुझे क्या लगता है कि कौन होगा सरप्राइज कैमियो, तो यार मैं बिल्कुल भी गैस नहीं कर रहा, अब एक दिन तो रह गया एपिसोड आने में, तो अब एपिसोड में देख लेंगे। खैर, आप लोगों का क्या गैस है आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।